तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्कल को प्रोपोर्शनली ड्रॉ करना सीखेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे जो हमारे स्कल की सेंटर लाइन होगी। इस स्ट्रेट लाइन को हाफ में डिवाइड कर देंगे। प्रत्येक हाफ को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ये टोटल हमारे 6 पार्ट हो जाएंगे जिन पर हमारी स्कल की ड्राइंग बनेगी। द लेवल एट द सेकेंड मार्क इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल। ये जो हमारे ऊपर के दो पार्ट हैं, इनको हम एज ए रेडियस यूज करेंगे और इसी रेडियस का मेजरमेंट लेकर हम लेफ्ट और राइट साइड मार्क करेंगे और इन्हीं मार्क को हम जॉइंट कर एक स्ट्रेट लाइन को तैयार करेंगे जो होगी हमारी डायमीटर, और इसी डायमीटर से हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे जो होगा हमारा क्रेनियल, जिसके अंदर हमारा होता है ब्रेन। ठीक है, अब हमें नीचे के 3 पार्ट्स को हाफ में डिवाइड करना है और हाफ में डिवाइड करने के बाद जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा हमारे स्मॉलर सर्कल का सेंटर पॉइंट। जिस तरह हमने ऊपर की तरफ सर्कल ड्रॉ किया था रेडियस और डायमीटर का यूज कर, उसी तरह हमें नीचे की तरफ स्मॉलर सर्कल को भी इसी तरह ड्रॉ करना है। ओके, जहां पर सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये जो हमारा 1/3 पार्ट है, इसमें हम नेजल कैविटी को ड्रॉ करेंगे सर्कल के बॉर्डर से टच करते हुए। बिग सर्कल के डायमीटर और स्मॉल सर्कल के डायमीटर को लाइंस के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारे जो है दोनों सर्कल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। दिस डिवीजन हेल्प्स टू लोकेट द पॉइंट ऑफ द चिन। ये डिवीजन हमें चिन के पॉइंट्स को लोकेट करने में सहायता करती है जहां पर हमारी चिन ड्रॉ होने वाली है। अब जो हमारे स्कल का 3rd पार्ट है, इसको हम 3 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जो हमें सहायता करेगा नोज रूट और नेसन को लोकेट करने में। अब हम स्कल के 4th पार्ट को मार्क करेंगे। जो हमारी नेजल कैविटी का टॉप पार्ट होता है वो हमारे स्कल का सेंटर पॉइंट होता है इन फ्रंट ऑफ व्यू। अब इसी स्कल के 4th पार्ट को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और जो हमारे सर्कल का डायमीटर है इसके एंड पॉइंट से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हुए 4th पार्ट के 1/3 मार्क से जॉइंट कर देना है, और उसी तरह नीचे के सर्कल के डायमीटर से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हुए स्कल के 5th पार्ट से जॉइंट कर देना है। और अब जो ये हमारे 2 पॉइंट बने हैं इनको हमें आपस में जॉइंट कर देना है, और इनको जॉइंट करने के बाद जो हमें ये कर्व मिलेगा, ये हमारी चिक बोन का कर्व होगा, ये हमारी चिक बोन की हाइट होगी। अब हमें चिन लाइन और नोज बेस लाइन के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है और जो हमारा 1/3 मार्क होगा वो होगा हमारा लोअर एज ऑफ मैस्टॉइड प्रोसेस। ये जो हमारा ओवल है ये हमारी रीढ़ की हड्डी की 1st वर्टेब्रा है जो हमारे स्कल के क्रेनियल मास से जॉइंट होती है। अब हमें स्कल के 6th लेवल पर क्या करना है, जो हमारा स्मॉल सर्कल है इसके सेमी सर्कल को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है बोथ साइड, और जो हमारा 2/3 मार्क होगा वो होगी हमारी बाउंड्री ऑफ डेंटल स्ट्रक्चर विड्थ। Thank you.
अब जो हमारा बिग सर्कल है इसके सेमी सर्कल को हम थ्री इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बोथ साइड, और जो हमारा वन थर्ड मार्क होगा उसको हम यूज़ करेंगे लोअर जो के पॉइंट को बनाने के लिए। द वन थर्ड मार्क इज यूज टू लोकेट द पॉइंट ऑफ द लोअर जो। जो हमारे स्कल का फोर्थ पार्ट है इसको हमने थ्री इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड किया था हॉरिजॉन्टली जब हमने चिक बोन को ड्रॉ किया था, चिक बोन की हाइट को बनाया था। अब इसी के वन थर्ड मार्क को और चिन लाइन के मार्क को बीच के डिस्टेंस को हमें थ्री इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है, और जो इसका वन थर्ड मार्क होगा वो होगा हमारा एंगल ऑफ द लोअर जॉ, जहाँ से हमारी जो है जो ऊपर की तरफ मुड़ती है, एंगल है। अब जो हमारी एंगल ऑफ लोअर जो लाइन है और जो हमारे नोज बेस की लाइन है इसके बीच के डिस्टेंस को हमें थ्री इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करना है। जो हमारा वन थर्ड मार्क होगा वो लाइन होगी हमारी लाइन बिटवीन दी टीथ, जो हमारी टीथ के बीच की लाइन होगी वो होगी ये। अब जो है हम बिग सर्कल को थ्री इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हमारा वन थर्ड मार्क होगा वो हमें लोकेट करने में सहायता करेगा टू के नाइन्स। जो हमारे स्कल का थर्ड पार्ट है इसको हमने थ्री इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड किया था जब हमने नोज रूट या नेसन को बनाया था। अब इसी के ऊपर से हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, और जो हमारी लोअर जो है इसकी रिदम को इस पर कनेक्ट करना है, और इस रिदम को कनेक्ट करते हुए वन थर्ड पॉइंट पर इसको कनेक्ट करना है, और इन्हीं के बीच में जो होगा हमारा आई साकेट बनेगा। अब हमें नेजल कैविटी के वन थर्ड मार्क से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है, और चिक बोन के वन थर्ड पॉइंट से एक रिदम को ड्रॉ करते हुए दूसरी तरफ चिक बोन के वन थर्ड पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। ये रिदम जो है मैक्सिला बोन और चिक बोन को सेपरेट करने में सहायता करती है। अब हम आई सॉकेट्स को ड्रॉ करेंगे। अब हम आई सॉकेट के ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, और जो हमारी चिक बोन की रिदम है उसको इस लाइन से कनेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जो हमारे स्कल का फर्स्ट पार्ट है उससे कनेक्ट कर देंगे, और जो मैं ब्लैक कलर से फील कर रहा हूँ ये हमारी इनके बीच में होगी टेम्पोरल बोन। अब हम आई सॉकेट से एक लाइन को ड्रॉ करते हुए नीचे की तरफ लाएंगे और डेंटल्स मार्क से कनेक्ट कर देंगे, और इस मार्क से कनेक्ट करते हुए इसको नीचे की तरफ लाएंगे, चिन से कनेक्ट कर देंगे, चिन पॉइंट से। ये रिदम हमें सहायता करेगी जो हमारे आई सॉकेट है उसके अंदर के पार्ट को बनाने में। अब हम एक एनोदर रिदम को ड्रॉ करेंगे, नेजल कैविटी के ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे और टू के नाइन से कनेक्ट करते हुए चिन से कनेक्ट कर देंगे। जो हमने टीथ लाइन को ड्रॉ किया था अब उसी लाइन पर हम स्कल के दांतों को बनाएंगे। चीक बोन की रिदम को डेंटल मार्क्स पे कनेक्ट कर देंगे दोनों तरफ। अब हम इस स्कल को एक परफेक्ट शेप देंगे ऊपर की तरफ। अब हम चिन के ऊपर एक ट्रायंगुलर शेप को ड्रॉ करेंगे। अब हम आई सॉकेट के कॉर्नर से लाइन ड्रॉ करते हुए उस रिदम पर कनेक्ट कर देंगे जो हमने ड्रॉ की थी, और इस पर सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जो है हमारे आई सॉकेट के
अंदर के सभी पार्ट बन जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं। अब ये जो मैंने आई सॉकेट के ऊपर से रिदम ड्रॉ की है, ये है हमारी ब्रो रिज, जो हमारे नेजल रूट के ऊपर का पार्ट है वो है हमारा ग्लैबेला, और ये हमारी स्कल ड्राइंग पूरी हुई। इसको हमने प्रोफेशनली ड्रॉ करना सीखा है, जिस तरह फॉरेन आर्ट अकेडमिक्स में सिखाया जाता है एग्जैक्ट प्रोपोर्शन के साथ।